हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सोनल। वेलकम बैक टू माय चैनल लिव यंग टीवी। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू देने वाली हूं और उस स्कूटर का नाम है ओला S1X। गाइस, आज मैं आई हूँ सुवर्णास ईवी सॉल्यूशन में। ये एक मल्टी ब्रांड शोरूम है। यहाँ पर आने के बाद जितनी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं आप देख सकते हो या फिर उनका टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हो। यहाँ पर विजिट दीजिए, ये आता है देहूगांव पुणे। सो लेट्स बिगिन विद द रिव्यू। गर्ल्स, ये जो स्कूटर आप देख रहे हो यहाँ पर आपको ग्लॉसी ग्रे कलर में देखने के लिए मिल जाती है। ओला लिखा गया है यहाँ पर। ये है इसका नंबर प्लेट, ब्रैकेट ऊपर फ्रंट में ही दी गई है। ग्रीन कलर में आपको देखने के लिए मिल जाती है। नीचे के साइड देखा जाए तो यहाँ पर मैट ब्लैक कलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। दोनों कलर का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इसके जो इंडिकेटर्स है आपको यहाँ बॉडी में देखने के लिए मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स का शेप भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर कोई ताम झाम नहीं है, यहाँ पर कोई क्रोम इंसर्ट वगैरह नहीं दिया गया है। और ये है इसका हेडलाइट जो कि हैंडल में दिया गया है। इसको ऑन करके देखते हैं तो देखिए आपको ये DRL हेडलाइट देखने के लिए मिल जाता है। LED लाइट है यहाँ पर। और ये वाला जो लाइट है आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये इसका अपर एंड लोअर लाइट है। और ये है इंडिकेटर्स जो कि LED ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। यह है टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, यहाँ पर दोनों साइड में दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा पहले की जो स्कूटर थी वहाँ पर एक ही साइड में था, तो अभी दोनों साइड में दिया गया है तो अभी इसके वजह से ज़्यादा मजबूत हो गई है ये स्कूटर। और यहाँ पर आपको स्टील व्हील रिम देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर भी कॉस्ट कटिंग की गई है इसलिए ये दिया गया है। और ये है ट्यूबलेस टायर जो कि TVS कंपनी के हैं और ये 12 इंच के हैं। ये है फ्रंट ड्रम ब्रेक जो कि केबल ऑपरेटेड है और इसमें कॉम्बी ब्रेक का भी सिस्टम दिया गया है। तो ये है इसका रेयर ब्रेक, यहाँ पर कटआउट दिया गया है। इनकेस आपकी स्कूटर गिरती है तो ब्रेक पूरा नहीं टूटेगा, यहीं से कट हो जाएगा वो। और यहाँ पर डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा मेंटेन किया गया है, इमरजेंसी के लिए ब्रेकिंग के लिए अच्छा है। ग्रिप भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। ये है अपर लाइट और लोअर लाइट का स्विच। ये है यहाँ पर इंडिकेटर का स्विच। स्विचेस भी काफ़ी स्मूथ है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। और ये है यहाँ पर हॉर्न का स्विच। और इस साइड में देखा जाए तो ये है इसका फ्रंट ब्रेक, यहाँ पर भी कटआउट दिया गया है, सेम है। ये है इसका एक्सीलेटर। ये है स्कूटर को स्टार्ट करने का स्विच, मैनुअल है ये स्कूटर, यहाँ पे कोई पासवर्ड वगैरह नहीं है अभी। तो ये स्टार्ट करने का स्विच है। इसमें आपको 3 मोड देखने के लिए मिल जाते हैं, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स। तो ये आपको इस तरह से यूज़ करने हैं। इसमें क्रूज कंट्रोल दिया गया है तो ये उसका स्विच है और रिवर्स असिस्ट। और ये है 4.3 इंच का डिस्प्ले, यहाँ आपको ओला देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर शेप भी देखिए बहुत ही अच्छा है, मैट कलर का यूज किया गया है ब्लैक कलर में। तो इसको कर देते हैं अभी हम ऑन। तो देखिए ऑन होने के बाद दिखता है कुछ इस तरह से। तो ये है इसका स्पीडोमीटर, ये है इसका ट्रिपोमीटर। अभी इसमें साइड स्टैंड सेंसर दिया गया है इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया है, वो पार्क है अभी। और इसका बैटरी परसेंटेज है 72%, आपको यहाँ पर टाइमिंग भी पता चल जाएगा। और इसका रेंज है 72 किलोमीटर। अभी ये जो इसका साइड स्टैंड है इसको हम निकाल देते हैं तो ये जो सिम्बॉल है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो फिर बाकी के फीचर आपको दिखाती हूँ मैं। तो देखिए इमीडिएटली यहाँ पे जो सिम्बॉल था साइड स्टैंड का निकल गया है। आपको करना क्या है, ब्रेक दबाना है यहाँ पर, और ये वाला जो बटन है इसको सबसे पहले हमको करना है ऑन। तो देखिए नॉर्मल मोड पे यहाँ पर आ गया है। तो अभी क्या है ना, जैसे कि मैंने आपको बोला इसमें हमें 3 मोड देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब तो इको के मोड पे अपनी जो स्कूटर है जाती है 90 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्मल मोड पे 72 किलोमीटर एंड स्पोर्ट्स मोड पे 64 किलोमीटर। जब हम टेस्ट ड्राइव लेंगे तब मैं आपको 1 बाय 1 सब मोड दिखा दूँगी यहाँ पर।
ये है इसका मिडिल एरिया, यहाँ पर आपको हुक देखने के लिए मिल जाता है, तो आप कैरी बैग वगैरह यहाँ पर हैंग कर सकते हो। यहाँ पर दोनों साइड में स्टोरेज के लिए जगह दी गई है और अंदर के साइड तक है, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखोगे तो कुछ गिरेगा नहीं, ग्लेयर्स भी यहाँ पर आ जाएंगे दोनों साइड में। ये है इसका लेग स्पेस, बहुत ज़्यादा जगह भी दी गई है, आपका सामान भी काफ़ी आ जाएगा इसमें। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm का। तो ये है इसका सीट, आपको ब्लैक कलर में देखने के लिए मिल जाता है और इसके सीट का हाइट है 800 mm। तो ये देखिए यहाँ पर आपको स्टिच देखने के लिए मिल जाती है ब्लैक एंड वाइट कलर में। आगे का इसका नैरो है और इसकी वजह से आपको थाई सपोर्ट बहुत अच्छे से मिलता है और पीछे भी यहाँ पर वाइट दिया गया है और जो पीछे बैठता है उनके लिए भी ग्रैप होल्डर दिया गया है जो कि स्टील का है, जो कि इसको ब्लैक कलर दिया गया है। और यहाँ पर दो लोग काफ़ी आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए इसकी सीट को कैसे खोलते दिखा देती हूँ। ये वाला की है, इसे आपको लेफ्ट साइड में घुमाना है। तो ये है इसका बूट स्पेस और ये 34 लीटर का है। यहाँ पर बहुत सारा सामान आपका आने वाला है गाइस, बहुत ही बड़ा है इसका बूट स्पेस। और ये देखिए यहाँ पर ये स्टिकर दिया गया है NMEM, इसका मतलब ये होता है जिस स्कूटर के ऊपर ये स्टिकर होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो इस स्कूटर के ऊपर हमें सब्सिडी मिलने वाली है। और ये जो आप देख रहे हो ना, तो ये एडिशनल है, अगर आपको USB मोबाइल चार्जिंग पोर्ट लगाना है तो आप यहाँ पर लगवा सकते हो। और इसके साथ हमें ये मिल जाता है, ये है इसका टूल किट और ये है इसका फर्स्ट एड किट और ये है ओला का यूजर मैनुअल है चार्जिंग का। तो चार्जर अभी तो मैंने निकाल के रख दिया है बाजू में, दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये है इसका चार्जर, ये है ओला का चार्जर, यहाँ पर भी ओला लिखा है। ये है इसका 3-pin प्लग और ये है स्कूटर को कनेक्ट करने का हैंडल, आता है कुछ इस तरह से। इसका आउटपुट है 60 volt 12 ampere और ये 12 ampere का होने के वजह से ये 5 घंटे में आपके स्कूटर को फुल्ली चार्ज कर देता है ये चार्जर। तो चलिए इसको चार्ज कैसे करना है दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सॉकेट को लगा दिया है और ये वाला जो हैंडल है इसको अभी लगा देते हैं स्कूटर को। तो ये यहाँ पर हो गया है फिक्स, तो अभी इसका जो बटन है ऑन कर देते हैं। देखिए इसको ऑन कर दिया है पर यहाँ पर कोई लाइट वगैरह नहीं है तो समझ में नहीं आता चार्जिंग हो रही है कि नहीं, बस पंखा जो है वो घूम रहा है और फिर आपको करना क्या, डिस्प्ले पे पता चलेगा आपको यहाँ पर आके। तो 72% है अभी, ये कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा ये देखे, 100/17:31 मतलब 5:30 बजे तक पूरी ये जो हमारी स्कूटर है चार्ज हो जाएगी। तो ये वाला सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि डिस्प्ले ही पर ही आपको पता चल जाता है कि आपकी स्कूटर कितने बजे तक चार्ज हो जाएगी। इसकी बैटरी की बात की जाए तो इसकी बैटरी आपको नीचे देखने के लिए मिल जाती है जो कि 3 kW की है और ये नॉन पोर्टेबल है, आपको इसी जगह पर ही चार्ज करना है। जैसे कि ये देखिए नीचे की साइड पर यहाँ पर दी गई है, मुझे भी बहुत तकलीफ है ढूंढने के लिए कि इसकी बैटरी कहाँ पर है। तो ये वाली है इसकी बैटरी, ये है 2.7 किलोवाट की BLDC हब मोटर और इसका पीक आउटपुट है 6 किलोवाट का। ये वाटरप्रूफ है और ये व्हील में ही दी गई है। ये है नॉन एडजस्टेबल ड्यूरर सस्पेंशन, हम इसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है, एक यहाँ पर ये है फुटरेस्ट और एक साइड स्टैंड आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस साइड में देखा जाए तो ये है रेयर ड्रम ब्रेक जो कि केबल ऑपरेटेड है और इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग का भी सिस्टम दिया गया है। और ये देखिए यहाँ पर भी आपको एक फुटरेस्ट मिल जाती है देखने के लिए। तो ये है यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट, ये देखिए जस्ट ये प्रेस करना है, S1X यहाँ पर लिखा गया है। ये है इसका ब्रेक लाइट जो कि LED लाइट है, इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि LED है। ये है यहाँ पर नंबर प्लेट और नीचे आपको ये वाइट कलर भी देखने के लिए मिल जाता है। आइए गाइस इस स्कूटर के प्राइस के बारे में जानकारी दे देती हूँ। गवर्नमेंट ने इस स्कूटर के ऊपर 10,000 की सब्सिडी दी हुई है और उसे डिडक्ट करने के बाद इसका ऑन रोड प्राइस है पुणे वालों के लिए 90,574 रुपीज़। और इनके पास और एक वेरिएंट अवेलेबल है जो कि है S1X जो कि 2 kW की है और इसका प्राइस है 86,791। इनके पास और एक वेरिएंट है जो कि है S1X 4 kW और उसका प्राइस है 99,272 रुपीज़। इस स्कूटर के वारंटी की बात की जाए तो इस स्कूटर के ऊपर आपको 3 साल या फिर 40,000 किलोमीटर पे वारंटी मिल जाती है और इसके बैटरी के ऊपर आपको 8 साल या 80,000 किलोमीटर पे वारंटी मिल जाती है।
इसमें रिवर्स असिस्ट का भी फीचर है, तो बता देती हूँ कैसे यूज करना है। जो ये आर का बटन है, आपको इसे प्रेस करके रखना है और उल्टे डायरेक्शन में चलाना है। तो ये देखिए अभी यहाँ पर आ गया है, तो आप इस तरह से इसको पीछे लेके जा सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये वाला फीचर इसमें। तो चलिए लेते हैं इसका टेस्ट ड्राइव, पर उसके पहले कहना चाहती हूँ कि ये इको के मोड पे सिंगल चार्ज पे जाती है 151 किलोमीटर। तो चलिए सबसे पहले पहनते हैं हेलमेट और लेते हैं इसका टेस्ट ड्राइव। तो इसको मैंने अभी डाल दिया है नॉर्मल मोड पे, नहीं अभी तो सबसे पहले इसको मैं डाल देती हूँ इको के मोड पे। तो चलिए अभी मैंने इसे इको के मोड पे डाल दिया है, तो चलिए लेके आई हूँ यहाँ पर। देखिए थोड़ा सा अभी यहाँ पर ट्रैफिक भी कम है, तो लेट्स सी कितना स्पीड मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हमें 42 मैक्स टू मैक्स 42 का स्पीड हमें यहाँ पर मिलता है। अभी हम इसको डाल देते हैं नॉर्मल मोड पर। अभी हम इसको डाल देते हैं स्पोर्ट्स मोड पर। थर्ड मोड जो है वो है स्पोर्ट्स मोड। ओ देख लेते हैं कितना स्पीड मिल रहा है। 76 गाइस, 76 का स्पीड मिल गया हमें मैक्स टू मैक्स 76। बहुत ही बढ़िया स्पीड है। हाँ, तो अभी मेरा टेस्ट ड्राइव लेके हो गया है और मैं अपना ओपिनियन आप लोगों को दे दूं। इसके जो सस्पेंशन है काफ़ी सॉफ्ट है, ब्रेकिंग भी अच्छी है। इसमें ड्रम ब्रेक दिया गया है। ड्रम ब्रेक देने के बावजूद स्कूटर बहुत अच्छी चली है, कोई दिक्कत नहीं आया है। सीट का हाइट भी बहुत बढ़िया है, मेरे हाइट के लिए मुझे कम्फर्टेबल लगा। अगर आप कॉलेज गोइंग हो, ऑफिस गोइंग हो, तो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप इसे हाईवे पर चला सकते हो, आप इसे अपहिल पर भी लेके जा सकते हो। जो पीछे बैठते देखिए, क्योंकि इसका सीट भी बहुत ही बड़ा है, नैरो भी है, और आप कंफर्टेबल स्कूटर चला सकते हैं। जो पीछे बैठते हैं वो भी प्रॉपर एकदम कंफर्टेबल बैठ सकते हो। पीछे ग्रैप होल्डर दिया है, मस्त बैठिए, ट्रिप के लिए जाइए, बहुत अच्छा है। स्कूटर का वेट है 100 kg और ये ले पाता है 150 तक वेट। और इसकी जो बॉडी है ना, ये है यहाँ पर फाइबर की बॉडी है, और इसका मैक्स स्पीड है 90, वो भी तो मैं यहाँ पर लेके गई 77, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं चला पाई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा स्पीड में चलाना भी अच्छा नहीं है। तो ठीक है, ओवरऑल अच्छी है स्कूटर। एक बार आप आइए इनके शोरूम में, टेस्ट ड्राइव लेके देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए चलाने के बाद कि आपको ये स्कूटर कैसी लगी। तो गाइज ये हो गई इस वीक की स्कूटर की जानकारी। मैं ऐसे ही आऊंगी नेक्स्ट वीक नए स्कूटर के साथ आप लोगों के सामने। तब तक प्लीज मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।